बचपन से ही इस लड़की को एक्टिंग का शौक था। माथा जरा चौड़ा था तो ऐसा स्टाइल बनाया कि आगे जाकर इस लड़की के नाम से ही वो स्टाइल मशहूर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साधना कटवाली साधना जी की। साधना जी का जन्म 2 सितंबर सन 1941 में हुआ। इनके पिता ने इनका नाम साधना रखा अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर, जो कि एक बेहतरीन डांसर भी थी। अभी नन्ही साधना बड़ी ही हो रही थी कि हिंदुस्तान ने बंटवारा देखा और उसके बाद ये कराची से मुंबई आ गईं। क्योंकि साधना जी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थीं, तो इनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में जरा मेहनत की और 1955 की फिल्म श्री 420 में ये नजर आई। गाना इचक दाना बीचक दाना में बतौर कोरस गर्ल। हालांकि ये रोल इतना छोटा था कि किसी की नजर साधना जी पे ज्यादा पड़ी नहीं। मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने कॉलेज के ड्रामास में भाग लेना शुरू किया। इनकी अभिनय क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि एक प्रोड्यूसर की नजर इन पे पड़ी और इन्हें 1 रुपए का टोकन अमाउंट दिया गया और एक सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन किया गया। अब यहाँ पर किस्मत ने एक अलग बाजी खेली। अबाना फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान इनकी फोटो छपी एक मैगजीन में और तब उस जमाने के जबरदस्त प्रोड्यूसर सशादर मुखर्जी की नजर इस तस्वीर पर आई। सशादर मुखर्जी इन्हें ले गए फिल्माले एक्टिंग स्कूल और अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ इन्हें लॉन्च किया फिल्म लव इन शिमला में, जिसे डायरेक्ट किया था आर के नैयर साहब ने। वही आर के नैयर साहब जिनसे आगे जाकर साधना जी ने शादी कर ली थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर तो साधना ने कभी पलट के नहीं देखा। बिमल रॉय साहब के साथ आई फिल्म परख, देवानंद साहब के साथ आई फिल्म हम दोनों, राजेंद्र कुमार के साथ मेरे महबूब, हर फिल्म में साधना ने कमाल कर दिया। राज खोसला साहब के साथ तो इनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म वो कौन थी को कौन भूल सकता है, उसके सारे गाने मकबूल हुए। मदन मोहन साहब का संगीत, लता जी की आवाज, राजा मेहदी अली खान साहब के बोल और साधना जी का अभिनय। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब फिल्म मेरे महबूब इन्हें ऑफर की गई तब इन्होंने इनकार कर दिया और उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि मैं फिल्म मेरे महबूब क्यों साइन करूं। ऋषिदा ने कहा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, बताया गया राजेंद्र कुमार। और तब ऋषिकेश मुखर्जी ने यह हिदायत दी कि साधना तुम इस फिल्म को जरूर साइन करो, क्योंकि राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही चुनता है और ये फिल्म भी बड़ी कामयाब होगी। ठीक वैसा ही हुआ। इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी कमाल काम किया था, पर फिर भी कोई अवार्ड इनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच इन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से ये अमेरिका गईं अपना इलाज करवाने। दुनिया को लगा कि अब साधना कभी लौट कर नहीं आएगी और फिल्म इंडस्ट्री को इसने टाटा बाय बाय कह दिया है। लेकिन ये वापस आई और वापस आकर इन्होंने इंतकाम लिया, बल्कि फिल्म इंतकाम हमारे सामने रखी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही आई फिल्म एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम। इन दोनों ही फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस किया और उसके बाद साधना जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गईं। इनका यह मानना था कि मैं सिर्फ बतौर हीरोइन ही काम करूंगी, किसी भी हालात में मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनके नजर नहीं आऊंगी। जिसने मेरी जान बचाई, अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था, मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा। ये किस्सा भी मशहूर है कि साधना जी को साधना कट कैसे मिला। बात दरअसल यूं रही कि इनका माथा जरा चौड़ा था और फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को लगा कि अगर माथे पे थोड़ी जुल्फें बिखेर दी जाएं तो चेहरा और भी आकर्षक लगेगा। इसलिए अपनी पसंदीदा अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से प्रेरित होकर आर के नैयर ने साधना जी को वो फ्रिंज कट दिया, जिसे आगे जाकर साधना कट के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां अक्सर साधना कट में ही नजर आती थीं। हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही, चाहे वो शम्मी कपूर रहे कि संजय खान, देवानंद रहे कि राजेंद्र कुमार,
या फिर सुनील दत्त। नहीं रखोगे? नहीं। जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ। मैं भी राजकुमार, दिल की सल्तनत का, किसी का हुक्म मानने का आदि नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस बबीता इनके रिश्ते में लगती हैं। करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी इनके रिश्तेदार ही हैं, और इनके निजी जीवन की तरफ थोड़ा सा और करें तो पता चलता है इनका विवाह हुआ लव इन शिमला के डायरेक्टर आर के नैयर के साथ। हालांकि इनके कोई बच्चे नहीं हुए, पर यह शादी अंत तक चली जब तक नैयर साहब जीवित रहे। रिटायरमेंट के बाद साधना जी फिल्मों में नहीं आई, हालांकि इनकी इच्छा थी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये फिल्मों से जुड़ी रहें। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया, पर सन 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन साधना जी का अभिनय, इनकी मुस्कुराहट, इनकी जज्बाती सीन्स, इनका डांस, सब कुछ अद्वितीय रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये कोर्ट केसेस से जुड़ी रहीं, बहुत बीमार हो गई थीं और इन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। बाद में पता चला साधना जी कैंसर से पीड़ित थीं। 25 दिसंबर सन 2015 वो दिन बना जब मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने दम तोड़ दिया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी ना कोई थी और ना ही कोई होगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।